हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी सबसे बड़ी टेंशन दूर करने वाली हूँ। आपकी पेरेंट्सों की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हम अपने बच्चों को दवाई कैसे पिलाएं। बच्चा बीमार है पर वो दवाई नहीं पी रहा है, दवाई पीते ही वॉमिट कर देता है। तो ऐसे में हम पेरेंट्सों की टेंशन बढ़ जाती है कि हम बच्चों को दवाई कैसे पिलाएं। ऐसे में पेरेंट्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं आपकी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे दवाई नहीं पीते, 100 में से 50-60% बच्चे तो ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं 40-50% जो अच्छे से पी लेते हैं। तो जो नहीं पीते हैं उनके लिए क्या किया जाए? एक तो बच्चे बीमार तो पड़ते ही हैं, कभी ना कभी तो बीमार पड़ते ही हैं। तो ऐसे में आप उन डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देते हैं। तो छोटे बच्चों का तो आपने देखा होगा सस्पेंशन गोल ही दिया जाता है, 1 ईयर या 1 ईयर के 2 ईयर्स तक तो बच्चों का सस्पेंशन गोल ही दिया जाता है। और कुछ टैबलेट ऐसी दी जाती है जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों को हम दवाई कैसे पिलाएं? बच्चों को फ्रेंड्स आप कभी भी लेट कर दवाई नहीं पिलाएंगे। हमेशा जैसे आप उनको गोदी में लिए, थोड़ा सा ऊँचा उठा लीजिए, फिर आप उन्हें दवाई पिलाएंगे, जिससे दवाई सीधे अंदर जाएगी और अटकेगी नहीं गले में। और कभी भी आप ऐसे मुंह में सीधे जल्दी से दवाई मत डालिए। अगर आप जल्दी से अंदर दवाई डाल देंगे तो बच्चे को इससे वॉमिट हो सकती है, बच्चा वॉमिट कर सकता है, बच्चे को गले में हल्का सा ठसका लग सकता है। तो आप थोड़ा सा ऐसे करके बच्चे को दवाई पिलाइए जिससे कि उसे वॉमिट ना हो। वैसे ही वो बीमार है, अगर वॉमिट कर देगा तो फिर वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान आपको ही रखना होगा कि आप बच्चे को वो थोड़ा सा ऊंचा लीजिए अगर गोदी में है तो, अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसे बिठा के आराम से दवाई पिलाइए जिससे वो दवाई उसके अंदर जा सके। आप फ्रेंड्स बच्चे को दवाई हमेशा सिरिंज या ड्रॉपर की हेल्प से ही पिलाइए, ड्रॉपर सबसे बेस्ट होता है। आप ड्रॉपर में दवाई लेंगे और उसके मुँह में डाल देंगे। चम्मच में अगर आपने दवाई ली तो आप बच्चे के पास ले जाएंगे, पास ले जाते वो अगर उसने थोड़ा सा भी ऐसे करके हाथ मार दिया या थोड़ा सा हल्का सा टच कर दिया तो वो दवाई फैल जाएगी, फिर आपको दोबारा दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसे में आप ड्रॉपर में दवाई लीजिए। ड्रॉपर में दवाई लेने के बाद बच्चे को आप आसानी से पिला सकती हैं, या आप सिरिंज की हेल्प से भी बच्चे को आसानी से दवाई पिला सकती हैं। मुझे तो ड्रॉपर ही सबसे बेस्ट लगता है छोटे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए। तो आप भी डेयर ड्रॉपर्स की ही हेल्प लीजिए, चम्मच से कभी बच्चे को दवाई नहीं पिलाइए। और डियर, आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने बच्चे को अभी दवाई पिलाई है, जैसे आपने दवाई पिलाई तो अगर आपको उसको दूसरी दवाई देना है तो तुरंत ही उसे दूसरी दवाई नहीं दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा दोनों दवाइयों के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे जो पहली वाली दवाई है बच्चे ने अभी पी है उसे वैसे ही कड़वा लग रहा है, आप उसे थोड़ी और पिला देंगे तो फिर वो जल्दी से वॉमिट कर देगा। आप इसलिए थोड़ा सा गैप रखिए दोनों दवाइयों के बीच में, उसके बाद ही आप बच्चे को दवाई पिलाइए, तो इस जिससे बच्चे को कभी वॉमिट नहीं होगी। और जैसे आप ड्रॉपर की हेल्प से दवाई पिला रहे हैं तो आप इन्हें एक दवाई पिलाई, उसके बाद आप ड्रॉपर को अच्छे से धोइए, उसके बाद ही आप दूसरी दवाई पिलाइए, उसी ड्रॉपर से नहीं पिलाइए, नहीं तो दोनों दवाइयाँ मिक्सअप हो जाएंगी। तो आप पहले ड्रॉपर को अच्छे से धोइए, उसके बाद ही आप बच्चे को दवाई पिलाइए। और डियर, आप एक बात और याद रखिए कि जैसे ही बच्चे ने दूध पिया है या कुछ खाया है तो आप तुरंत ही उसे दवाई नहीं पिलाएं, आप थोड़ा सा वेट करें, आधे घंटे का, 1 घंटे का तो करना ही चाहिए, उसके बाद ही आप बच्चे को दवाई पिलाएं। और दवाई पिलाने के कुछ देर बाद ही उसे कुछ खिलाएं, जैसे कि आप आधे 1 घंटे का फिर से वेट करिए, उसके बाद ही उसे कुछ खिलाइए, तो बच्चा आपका कभी भी वॉमिट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ सावधानियाँ ऐसी होती हैं जो हम पेरेंट्सों को ही ध्यान में रखनी होती हैं। और आप बच्चे को खाली पेट भी दवाई दे सकती हैं, आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि हाँ आप दवाई खाली पेट पिला सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल दवाई नहीं पीते हैं उन्हें हम खाली पेट भी दवा पिला सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए।
अगर डॉक्टर ने बोला है तो आप फिर उसे खाली पेट ही दवा पिलाइए। और जैसे आपका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है, 1 साल से छोटा नहीं, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे दवाई शहद में मिला के, या बच्चा बिल्कुल ही दवाई नहीं पी रहा है तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मिला दीजिए या थोड़ी सी चॉकलेट मिला दीजिए, पर चॉकलेट बहुत मुलायम वाली होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर जाकर घुल जाए। तो आप माँ के दूध के साथ भी, माँ के दूध के साथ तो आप छोटे बच्चे को भी दवाई पिला सकते हैं, या आप पानी हल्का सा गर्म कर लीजिए, मतलब गुनगुना सब पानी, मतलब गर्म पानी होना चाहिए, गर्म पानी ठंडा हो जाए, उसके बाद आप थोड़ी सी जितनी क्वांटिटी में आपने दवाई ली है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लीजिए, जिससे दवाई की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप उसे बच्चे को आसानी से पिला सकते हैं, उसका कड़वापन थोड़ा दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हर दवाई मीठी नहीं होती, कुछ तो दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी कड़वी होती हैं, अक्सर एंटीबायोटिक्स बहुत कड़वी होती हैं, तो उनके लिए आप बच्चे को ये सब कर सकती हैं। आप उसे शहद में मिला के या थोड़ा शक्कर के साथ या जो भी आप जूस हो कुछ हो आप उसके साथ में बच्चे को दवाई पिला सकती हैं। दवाई पिलाना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये बातें मेरी याद रखिए और आप बच्चे को दवाई पिलाइए, आपका बच्चा आसानी से दवाई पी लेगा, कभी भी वो रोएगा नहीं और ना उसे वॉमिट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।